मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, जिसमें पांडवों की जीत हुई और धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का अनमोल ज्ञान भी दिया था। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर भाइयों के बीच हुआ महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में ही क्यों लड़ा गया, किसी और जगह क्यों नहीं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया, इससे जुड़ी जानकारी हमें अलग अलग धर्म ग्रंथों में वर्णित कई कथाओं के माध्यम से मिलती है, जिनमें तीन कथाएं प्रमुख हैं। मित्रों, पहली कथा के अनुसार जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध लगभग निश्चित हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण को ये चिंता सताने लगी कि आखिर इस युद्ध के लिए कौन सी ऐसी जगह उपयुक्त होगी जहां भाई भाई आपस में युद्ध कर सके और बिना किसी संधि के ये युद्ध समाप्त भी हो। यही सोचकर उन्होंने अपने दूतों को अनेक दिशाओं में ऐसी जगह की खोज करने के लिए भेजा जहां ये महायुद्ध बिना किसी रुकावट के हो सके। कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण के पास एक दूत लौटा और बोला, हे वासुदेव, मैंने एक जगह देखी है जो कौरव और पांडव के बीच होने वाले युद्ध के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तब भगवान कृष्ण ने उस दूत से पूछा, हे वत्स, तुमने वहां ऐसा क्या देखा जिससे ये प्रमाणित हो सके कि वो जगह महाभारत के युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त है? तब दूत बोला, हे नारायण, आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध के लिए उपयुक्त भूमि की खोज करते हुए मैं कुरुक्षेत्र पहुंचा, जहां मैंने देखा कि दो भाई आपस में खेत के लिए लड़ रहे थे। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को खेत की टूटे हुए मेड़ से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका छोटा भाई बार बार पानी रोकने से मना कर रहा था। ये सुन उसका बड़ा भाई क्रोध से लाल हो गया और उसने अपने छोटे भाई को छुरा गोद कर मार डाला और उसकी लाश से ही टूटे हुए मेड़ से बहते हुए पानी को रोक डाला। हे प्रभु, ये देखकर मैं समझ गया कि भविष्य में होने वाले कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के लिए ये भूमि सबसे उपयुक्त है। दूत की बात सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे और मन में काफी विचार करने के बाद जब कृष्ण आश्वस्त हो गए कि कुरुक्षेत्र की भूमि के संस्कार के कारण भाई भाई में कभी भी संधि नहीं हो सकती, भले ही लाशों के ढेर क्यों ना लग जाएं, तभी उन्होंने ये युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। जबकि एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार जब कौरवों और पांडवों के पूर्वज कुरुक्षेत्र की भूमि की जुताई कर रहे थे, तब इंद्रदेव वहां पहुंचे और उन्होंने राजा कुरु से पूछा, हे राजन, आप इस भूमि की जुताई क्यों कर रहे हैं? तब कुरु ने इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, मेरी इच्छा ये है कि जो भी इस भूमि पर मारा जाए या फिर मृत्यु को प्राप्त हो, वे सीधा बैकुंठ धाम जाए। कुरु के मुख से ऐसी बातें सुनकर इंद्र मुस्कुराने लगे और कुरु का मजाक उड़ाते हुए स्वर्ग लोक को वापस लौट गए। स्वर्ग पहुंचकर उन्होंने ये सारी बातें देवताओं को बताई। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम एक बार पुनः कुरु के पास जाओ और उनसे कहो आपकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती, परंतु यदि कोई भी पशु पक्षी या फिर मनुष्य अन्न जल त्याग कर या फिर युद्ध के दौरान इस भूमि पर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार इंद्र कुरु के पास आए और उनसे ब्रह्मा जी द्वारा कही गई बातें बतलाई। तब कुरु देवराज इंद्र से बोले, हे देवेंद्र, परमपिता ब्रह्मा जी ने जो बातें कही हैं, वे मुझे स्वीकार हैं और ऐसा ही होगा। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण ये बातें जानते थे और इसीलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। इन दो कथाओं के अलावा धर्म ग्रंथों में कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध से जुड़ी एक तीसरी कथा श्रवण कुमार से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा को निकले और कई तीर्थों के भ्रमण के बाद एक दिन श्रवण कुमार के मन में विचार आया कि क्यों ना माता पिता को पैदल चलाया जाए। यही सोचकर श्रवण कुमार ने कावड़ जमीन पर रख दी और माता पिता से पैदल चलने को कहा। बेटे के कहने पर श्रवण कुमार के माता पिता अंधे होने के बावजूद भी पैदल चलने लगे और जब वे कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने श्रवण कुमार से कहा, बेटे जितना जल्दी हो सके इसे पार कर लो। जिसके बाद वो दोनों तेजी से चलने लगे, जिसकी वजह से दोनों के पाँव में छाले पड़ गए। ये देखकर श्रवण कुमार को मन ही मन पश्चाताप होने लगा और उन्होंने
अप्पू ने अपने माता पिता को कांवड़ में बिठा लिया। तब उनके पिता ने कहा, बेटे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये भूमि ही ऐसी है क्योंकि बहुत समय पहले इस भूमि पर मैं नामक असुर रहा करता था और उसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को मार डाला था। तब से इस भूमि के संस्कार ऐसे हो गए हैं। मित्रों, इन कथाओं के अलावा महाभारत के वन पर्व में कुरुक्षेत्र की भूमि के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार कुरुक्षेत्र की भूमि पर आकर पापी से पापी जीव भी पाप मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि किसी इंसान के ऊपर इस भूमि की धूल का एक कण भी पड़ जाए तो वह पाप मुक्त हो जाता है। इसके अलावा नारद पुराण में बताया गया है कि कोई भी जीव यदि इस भूमि पर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता। और मित्रों, यही कारण है कि भागवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। कुरुक्षेत्र की भूमि को महाभारत के लिए क्यों चुना गया, ऐसे ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और लाइक करें द डिवाइन टेल्स हिंदी फेसबुक पेज। सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए अभी जाएं shop.thedivinetales.com पर। 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।